मंदिर है, कितने टाइम पूजा करते हैं यहाँ पे? यहाँ 5-6 बजे करते हैं, सुबह सुबह उठ के 5-6 बजे पूजा करते हैं। हाँ जी। आप अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं? नहीं यार, हम गरीब है, खर्चा पूरा करिए तो बच्चे नु पढ़ाइए, साढ़े दर्द भी नहीं पूरा होता। हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान में सबसे बड़ा हिंदू का एक गांव। पाकिस्तान में हिंदू कैसे रहते हैं आज मैं आपको दिखाऊंगा इनकी ज़िंदगी, और इनसे ये भी पूछेंगे कि ये अपने बच्चों को तालीम हासिल क्यों नहीं करवाते, आखिर क्या वजह है इसके पीछे। बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई जिसमें हिंदू यही कहते हैं कि हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते, आखिर क्या वजह है। आज हम आप को हिंदू कम्युनिटी के घर दिखाएंगे, यहाँ पर मिट्टी के घर बनाते हैं। इसी तरह ये छोटी सी गली जा रही है और हम आगे आपको चल के इनके घर दिखाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विलेज है, यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 घर है। ये एक मैं आपको हिंदू भाई से मिलवाता हूँ। कैसे हैं भाई, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनिए। ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे कितना अरसा हो गया काम कर रहे हैं? जी लगभग हम जब से पैदा हुए ना उसी दिन से यहाँ पे हैं। जी काम क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं, पहले स्कूल पढ़ता था। अच्छा जी। अच्छा, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? प्राइमरी पास की है। अच्छा, यहाँ के जो लोग आपके जितने भी हिंदू बरादरी के बैठे हैं वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं? नहीं दिलवाते। नहीं दिलवाते, इसकी क्या वजह है? वैसे वजह यही है कि हमारे यहाँ पढ़ाई के खर्चा पूरे करे या अपना राशन पानी। अच्छा, मतलब आप कहते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं थोड़े बड़े हो जाए उनको उसे काम लगा देते हैं, काम पे लगा देते हैं, पढ़ा नहीं सकते, उनका खर्चा नहीं उठा सकते, उनको काम पे लगवा के अपने घर का सिस्टम चलाते हैं। अक्सर मैंने जितने भी हिंदू कम्युनिटी के घर दिखाए हैं वो हमेशा कच्चे घर बनाते हैं, और पाकिस्तान के बाहर जितने भी हिंदू रहते हैं वो यही कमेंट्स करते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत है और इसको ख़त्म किया जाए, और ज़्यादातर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मैं तो यही कहता हूँ कि जितने भाई कमेंट्स करते हैं अगर यही भाई मदद करना शुरू हो जाएं तो उनका घर या वाटर पंप भी लग सकता है, तनकीद किए बगैर कुछ हेल्प कर दिया करें। चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे कब से रहते हैं? 60 साल हो गए थे। 60 साल? हाँ, मजदूरी करते हैं हम, सारी मजदूरी ना साड़ी कर दे माल ना कुछ, मजदूरी सिर्फ कर दिया खाने। आप अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं? नहीं यार, हम गरीब है, खर्चा पूरा करिए तो बच्चे नु पढ़ाइए, साड़ी दर्द भी नहीं पूरा होता गरीब बंदे, साड़ी ना जमीन ना। अभी शाम की रूटीन जो है शुरू हो चुकी है, शाम में ये खाना क्या बनाते हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ गांव की औरतें जो हैं खाना बनाना शुरू कर दिया है, और ये जो है तकरीबन 6 बजे से खाना शुरू कर देती हैं, दिन खड़े ही शाम की इनकी रूटीन है। ये डेली जो है खाना बनाते हैं इस टाइम, और खाने में ये जो है एक दाल और आलू स्पेशल बनाते हैं। भाई कह रहे हैं कि ये क्या टूट गया है? ये अब टूट गया है, शहर में मजदूरी करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। इसको ले जाते हैं? इसको ले जाते हैं, गद्दा भी साथ है। कितनी दिहाड़ी बनती है? 200 जाते हैं। अच्छा, ये भाई मंदिर के सामने खड़े हुए हैं, इससे पूछते हैं कि ये सुबह सुबह उठ के कैसे पूजा करते हैं और कौन सा मंत्र पढ़ते हैं। अच्छा, आप कैसे पूजा करते हैं बताएं? पूजा करता है, भगवान तुम खैर करना, तुम माफी देना, हर गुनाह से तुम बचाना, तुम जो बच्चों की रक्षा करना, माल रज़क की रक्षा करना, तुम जो है दुख हमारे तुम काटना, तुम दुख काटना। अच्छा, पाकिस्तान में आप कैसे हैं, खुशहाल हैं या तंग हैं, कैसे हालात कैसे हैं आपके? हालात हमारे बिल्कुल नहीं है, तंग है। हालात आपके ठीक नहीं है? नहीं। क्या मतलब रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है, मेहनत कम है, मेहनत जो आप करते हैं? मेहनत बहुत करते हैं, पैसे हमको बहुत थोड़े मिलते हैं। आप मजदूरी जहाँ पर जिम्मेदारों के पास करने जाते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, पैसे रकम जो है कम मिलती है?
ठीक ठीक बाकी कोई परेशानी नहीं है इस हालात की वजह से? हाँ ये भी हालात है और कुछ नहीं। ठीक है। एक बहुत सारा हिंदू गांव है जो आज मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूं कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करें। ओके बाय। जरदार।